बना रहता था तो बाथरूम में जाके उधर नहा लेते थे। अच्छा, फिर गाड़ी पे ही रात दिन सोना रहना खाना सब गाड़ी पे होता था, ऑटो के अंदर ही। ऑटो के अंदर। तो अंकल जी आप क्या बजे तक रात को ऑटो चलाएंगे? ये रात को 1:30 बजे तक चलाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा ड्रीम था कि मैं आगे चल के कुछ बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा या फिर। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर सब खाना पीना बनाते हैं ये लोग। ये देखो इधर छोटा सा बना रखा है किचन सामान वगैरह रखने के लिए। ऑटो चलाकर आप दिन का कितना कमा लेते हैं? 1000 रुपया, 1200 रुपया। 1200 बैग वगैरह रखते थे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बैग रख देते थे। अच्छा, तो अभी भी कुछ सामान पड़ी हुई है। अच्छा, और 15 से 20 दिन लगभग ऑटो में बिताया आपने? इसी के अंदर, इसी पे सोते थे। अच्छा, और रहा करते थे। अच्छा, तो अभी अपने हाथ से बनाना पड़ता है? अब भाभी आती है तो फिर वो बनाती हैं। अच्छा अच्छा, तो ये ऑटो खुद का है क्या रेंट का लेके चलाते हो? अभी भी रेंट का है। रेंट का, तो दारू रू पी लेते हैं, कभी भाड़े नहीं देते हैं। अच्छा, तो रात में ऐसा ऐसा किसी जीने पे चढ़ रहे हैं पीढ़ी की पीढ़ी, कितने ऊंचे पे जाके। ये देखो हाँ छोटे हरबाज। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनी ब्लॉग्स ऑफ आइलैंड के लिए नहा धोकर रेडी हो चुका। तो गाइस आज का व्लॉग जो ना बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला। जी हाँ, जैसे कि मैं बता दूं गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुंबई के अंदर ऑटो ड्राइवर की जिंदगी, उनकी रियल लाइफ क्या है, वो लोग किस तरह यहाँ पर रहते हैं, किस तरह अपना ऑटो चलाते हैं और किस तरह अपनी फैमिली को यहाँ पर रखकर चलाते हैं। जी हाँ, उनकी पूरी रियल लाइफ दिखाने वाला हूँ, किस तरह यहाँ पर वो स्ट्रगल करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कितना नहीं कमाते हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, पूरी जिंदगी बताने वाला हूँ, उनकी पूरी रियल लाइफ बताने वाला हूँ आज के व्लॉग में। तो देखते हैं आज का व्लॉग कैसा बन पाता है, तो कंटिन्यू आप लोग व्लॉग में बने रहना। तो चलो करते हैं व्लॉग को शुरू। और जैसे कि गाइस आपको बता दूं, ऑटो वाले इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पर, इतना स्ट्रगल करते हैं कि सुनने में आता है कि बिंजारे ऑटो में रहते हैं, ऑटो में सोते हैं, ऑटो में खाते हैं, ऑटो में पीते हैं, हर काम ऑटो के अंदर। जैसे कि बता दूं, किसी की नहीं होता है पैसे वैसे की प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से वो रूम वगैरह नहीं लेते हैं। जो भी आज की पूरी रियल लाइफ बताने वाला हूँ ऑटो ड्राइवर की। तो चलो करते हैं व्लॉग को शुरू। तो कंटिन्यू आप लोग व्लॉग में बने रहना, तो देखते हैं आज का व्लॉग कैसा बन पाता है। तो यहाँ से सीधा निकलते हैं बस स्टॉप और यहाँ से निकलेंगे फिर मलाट की तरफ। ओके, लव यू, बाय। बस आ चुकी है और चलो फटाफट से निकलते हैं बस से बैठ कर। चलो फाइनली बस के अंदर बैठ चुके हैं और यहाँ से निकलते हैं सीधा अपनी लोकेशन की तरफ। चलो फटाफट से निकलते हैं। ठीक है, मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन पर मलाड के और यहाँ से मुझे सीधा जाना है कांदीवली। और ये देखो भाई रेलवे स्टेशन की भीड़ देख लो। ठीक है, तो यहाँ से फटाफट से निकलना है मुझे कांदीवली। चलो थोड़ा वेट करते हैं ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो रही है और पब्लिक देखो कितनी हो रही है, चेक करो। चलो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। ये देखो गाइस, ये देखो भाई, ये देखो ट्रेन की हालत, देखो किस तरह चढ़ती है, देखो देख रहे हो, बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, देख रहे हो यहाँ पे, देखो ये देखो भाई, चोट लग जा कुछ लग जाए इनको कुछ फिक्र नहीं होती, देखो ये हाल है भाई। देखो तो भाई सभी मैं आ चुका हूँ सीधा कांदीवली रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ से दोनों एक ही स्टेशन था तो फटाफट से उतर चुके हैं। तो यहाँ से चलते सीधा अभी बाहर की तरफ और देखते अभी कहाँ जाते हैं। आज जो है ना आपको पूरे रियल लाइफ दिखाने वाला हूँ ऑटो वाले की, क्या उनकी जिंदगी होती है, किस तरह मुंबई के अंदर रहते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कैसे अपने परिवार को चलाते हैं, पूरी हिस्ट्री आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। क्योंकि आज तक आपने ऐसा व्लॉग कभी नहीं देखा होगा पूरी यूट्यूब पे, तो आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलो निकलते हैं यहाँ से अभी बाहर की तरफ, बस वगैरह से पकड़ना पड़ेगा, अभी थोड़ा दूर जाना पड़ेगा जहाँ पर वो ऑटो वाले रहते हैं, जिनसे हमें मिलना है, जिनके बारे में हमें सारा कुछ आज बताना है। आ चुकी है और यहाँ से हमें सीधा निकलना है ठाकुर ब्लेस, ये देखो। और अभी तक हम यहीं पर वेट कर रहे थे बस का, तो चलो चलते हैं यहाँ से और निकलते हैं। भाई सभी बस के अंदर बैठ चुके हैं और यहाँ की एक अजीब बात भाई, एसी की बस में तुम्हें 6 रुपए में लेके जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, देखो देख रहे हो। चलो यहाँ से निकलते हैं फटाफट से ठाकुर प्लेस की तरफ, देखते हैं कितने लगे। साहब ये देख रहे हैं ऑटो है और ये भाई हैं मुंबई के, देखो मुंबई में रहते हैं, अपना ऑटो वगैरह चलाते हैं, कैसे गुजारा करते हैं, क्या है इनकी रियल लाइफ, चलो इनसे आज पूरी हिस्ट्री मालूम करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं इनके पास में। हेलो फाइनली, जैसे कि आप देख रहे हैं इनका नाम है सोनू। तो सोनू भाई आप पहले ये बताइए हमें, आप कहाँ से हैं? मैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, यूपी मिर्जापुर। अच्छा अच्छा, तो वैसे हम भी यूपी से ही हैं। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बताइए मुंबई के अंदर आप ऑटो कितने दिन से चला रहे हैं? उसे तो दिन तो नहीं है, करीब 6 से 7 साल लगे होंगे। अच्छा, 6 से 7 साल।
अच्छा ये बताइए, आप जब यहाँ पर 6 से 7 साल ऑटो चलाते हुए आपको हो गए, तो आप क्या सोच के मुंबई के अंदर आए थे कि मेरे को मुंबई के अंदर जाके ऑटो चलाना है? मुंबई मतलब मैं आया था एक्चुअली कुछ काम को लेकर। मेरा ड्रीम था कि मैं आगे चल के कुछ बहुत बड़ा एक एक्टर बनूंगा या फिर अच्छा, सिंगर बनूंगा। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि मैं गांव में अपने गाना गाया करता था। अच्छा अच्छा, स्कूलों पे प्लस कोई फंक्शन होता था, जागर प्रोग्राम होता था, अच्छा, तो अच्छा। बुलाया जाता था तो गाना गाया करता था। तो अच्छा, मेरा ड्रीम था कि आगे चल के मैं एक एक्टर या सिंगर जरूर बनूंगा। अच्छा अच्छा, आपका ड्रीम था ये सिंगर वगैरह बनना। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए जब आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे मुंबई के अंदर, आपने ऑटो अपना स्टार्ट किया चलाना, तो आप रहना सहना आपका क्या सिस्टम था, किस तरह रहते थे आप मुंबई के अंदर? शुरुआत में जब मैं आया था यहाँ पे तो एक्चुअली कहा जाए तो मुंबई के नाम से मुझे औरंगाबाद बुलाया गया था। अच्छा, तो मैं औरंगाबाद चला गया था। अच्छा, तो औरंगाबाद में काम करीब 7-8 दिन तक कोई कुछ भी नहीं मिला मतलब। अच्छा, तो लास्ट वाले दिन 9-10वें दिन लगभग एक काम मिला, बहुत ही भारी वजन मतलब उठाना था, लोहे को उठा के रखना था इधर उधर। अच्छा अच्छा, जो मैं कर नहीं पाया। अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि मेरा ये फील्ड नहीं है, तो मैं वहाँ से मुंबई आया था। मुंबई आकर ऑटो चलाना स्टार्ट करा। मुंबई में वेल्डिंग का काम किया, वेल्डिंग में मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा, तो फिर कहीं जॉब के लिए भी सोचा कि कम टाइम हो ताकि मैं अपना जो ड्रीम है उस पर भी काम कर सकूँ। अच्छा अच्छा, तो मुझे और टाइम चाहिए रहता था, तो अच्छा, मैं वो काम छोड़ा, गांव गया। फिर जी, जब फिर गांव से आया यहाँ पे, अच्छा, तो फिर मेरे एक रिलेशन से करते हैं, तो उन्होंने वो ऑटो चलते, तो वो बोले कि गाड़ी में दिला देता हूँ, तो चला। जब से आपने ऑटो चलाना स्टार्ट करा, हाँ, तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ आपसे, जैसे आपने ऑटो स्टार्ट करा तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट अपना रूम लिया था आते ही, या ऑटो वगैरह में रहते थे, कुछ ऐसा सीन था आपका? शुरुआत में मैं यहाँ पे जब आया था तो मतलब रिलेशन में रूम था, तो अच्छा, रहा करता था। अच्छा, फिर दोबारा गया तो फिर प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पे रूम जल्दी मिल नहीं रहे थे। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पे डिपॉजिट लगते हैं। अच्छा अच्छा, तो डिपॉजिट में अच्छा, मैंने अक्सर देखा है और काफी वीडियो भी देखी है ऑटो वालों की, क्या रियल उनकी लाइफ होती है, तो मैंने सुना है कि ऑटो वगैरह में सोते हैं और ऑटो में कपड़े वगैरह धोना, एक डिग्गी वगैरह होती है ऑटो में, सब कुछ ये सब करना होता है, तो आपने ये सब करा है क्या? भाई मैंने जब दोबारा आया था यहाँ पर तो अच्छा हुआ यूँ कि मेरे पास रूम नहीं था, तो मैं डिग्गी है जो डिग्गी देख सकते हैं। अच्छा चलो थोड़ा दिखाइए डिग्गी। अच्छा तो भाई जैसे कि आप ये देख रहे हैं डिग्गी दिखा रहे हैं, देखो ऑटो के अंदर एक डिग्गी होती है, अभी इनका ताला खोल लें। अपना बैग वगैरह रखते थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बैग रखते थे। अच्छा, तो अभी भी कुछ सामान पड़ी हुई है। अच्छा, और रख के जैसे नहाना वहाना रहता था तो बाथरूम में जाके नहा लेते थे। अच्छा, फिर गाड़ी पे ही रात दिन सोना रहना खाना सब गाड़ी पे होता था, ऑटो के अंदर ही। ऑटो के अंदर ही हुआ करता था। अच्छा, और दिनों तक हमने करीब 15 से 20 दिन लगभग ऑटो में बिताया अपने, इसी के अंदर इसी पे सोते थे। अच्छा, और रहा करते थे। अच्छा, फिर रूम मिला, रूम में रहने लगे, बट सफर यू नहीं मतलब कि कहा जा सकता है कि एकदम स्ट्रगल है, अभी भी स्ट्रगल चल रहा है मेरा। अच्छा अच्छा, तो मुझे एक एक्टर मिले। अच्छा, तो उनसे क्लासेस किया। अच्छा अच्छा, करने बाद लॉकडाउन लग गया। अच्छा ये बताइए मेरे को, आप ऑटो चलाकर आप दिन का कितना कमा लेते हैं? अभी अगर कहा जाए तो ऑटो से पर डे का 1000 रुपया, 1200 रुपया। 1200 और मंथली कितना बैठ जाता है खाना खर्चा निकाल के आपका? 10 से 15 हजार रुपया अगर जाए। 10 से 15 हजार। तो अभी क्या आपकी फैमिली यहीं पर रहती है या फिर अभी गाँव में? फैमिली अभी यहीं पर रहती है। अच्छा, तो यहाँ जो आपने रूम ले रखा है तो भाड़े का या खुद का भी घर बना लिया आपने इधर? नहीं भाई, इतना तो नहीं हो पाया क्योंकि 6 साल में काफी चीज ये था कि काफी टाइम तक बैठे भी रहे, गाड़ी अच्छा, नहीं मिलता था तो बैठना पड़ता था महीनों भर। अच्छा अच्छा, और बाकी काम के लिए भी जाते थे तो काम नहीं मिलता था। अच्छा, काफी टाइम जूनियर किया मैंने, पैसे नहीं रहते थे तो जूनियर जाके किया करता था, तो उसमें कुछ पैसे मिल जाते थे तो खाने के लिए हो जाता था। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद फिर मैंने जब गाड़ी मिला, अच्छा, तो फिर रूम में रहने लगे। अच्छा, रूम तो अभी तक तो कुछ नहीं हो पाया क्योंकि मैंने उतना कुछ कमा नहीं पाया है। अच्छा, तो अभी भाड़े के रूम पे रहते हो, तो उसकी रेंट कितनी जाती है आपके रूम की? रूम की रेंट है भाई यहाँ पे 5000 रुपया रूम की रेंट है, बाकी लाइट बिल पानी बिल लगा दो 6000। अच्छा, पूरी फैमिली वगैरह यहीं रहती है तो कुल मिला के खर्चा 10000 के ऊपर चले जाते। 10000 के ऊपर, तो महीने में कितना बचा लेते हो? घर पे भी भेजना रहता है तो घर पे वही 10
5-10 करके वहीं ज्यादा नहीं। मम्मी पापा के लिए फैमिली रहती होगी और यहाँ तो सिर्फ आपकी बीवी बीवी रहती होंगी। अच्छा अच्छा, तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इनकी फैमिली वगैरह रहती है। 7 साल हो गए इनको ऑटो चलाते हुए। क्या भैया 7 साल हो गए ना? अच्छा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा। तो ये ऑटो खुद का है क्या रेंट का लेके चलाते हो? रेंट का है, मतलब अपना नहीं है। 7 साल के अंदर अभी आपने इतना नहीं करा कि मैं अपना ऑटो खरीदूं, मतलब उतनी इनकम वगैरह नहीं है ना? उतनी इनकम नहीं है एक्चुअली, काफी सारे काम होते हैं, मतलब कि घर के पैसे भेजना पड़ जाता है, प्लस यहाँ के खर्चे ज्यादा होते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे एक ऑटो ड्राइवर की यहाँ की लाइफ किस तरह मतलब कट रही, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? यहाँ पे मुंबई में जो एक ऑटो ड्राइवर होता है उसकी लाइफ अगर कहा जाए तो एक रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे लोग लेबर के काम करने जाते हैं ना, तो वैसे ही है। डेली सुबह उठो, काम पे जाओ। अच्छा, कभी मारपीट हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं सबसे ज्यादा, कभी यहाँ के टपोरी होते हैं ना। अच्छा, तो दारू वारू पी लेते हैं, कभी भाड़े नहीं देते हैं। अच्छा, तो रात में कभी बाई चांस उनको जाना रहता है अर्जेंटली, बोले अर्जेंट में बोलेंगे चलो भैया छोड़ो। अच्छा, तो अच्छा, इतना पैसा एक्स्ट्रा देता हूँ, उसके लालच में अगर बैठा के चले गए। अच्छा, तो वहाँ पे पैसे नहीं देते, मारपीट कर लेते हैं, ऑटो वालों को पैसे भी नहीं देते, भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ ऐसा आपके ऑटो में बैठे हैं ऐसे लोग? कई बार बैठे हैं मेरे, तो पैसे नहीं देके जाते थे, नहीं देते, भाग जाते। तो बहुत दिल दुखता होगा अंदर से, बहुत रोने लगते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो कोई काम नहीं कर सकते, काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे ज्यादा वक्त देना पड़ेगा हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए काम नहीं करते, बाकी अभी भी स्ट्रगल जारी है। तो यहाँ से कितना दूर है आपका रूम? यहाँ से है करीब बाजू में ही है। अच्छा अच्छा, तो क्या हम आपका रूम भी देख सकते हैं अंदर से? हाँ हाँ, रूम दिखा। अच्छा, तो भाई जैसा कि आपको बता दूं, ये होती है देखो ऑटो ड्राइवर की रियल लाइफ। भैया ने अभी सारा कुछ बताया कि भाई कुछ टपोरी लोग ऐसे बैठ जाते हैं ऑटो में तो पैसे ही नहीं देते, बहुत अंदर से दिल दुखता है, क्योंकि ऐसा होता है कभी आप कभी लंबा भाड़ा भी होता है, कभी काफी दूर चला रहे हैं। आज के दिन में सुबह सुबह हो गया मुझसे, अच्छा झगड़े होने लगे थे, बट किसी तरीके से कि हम झगड़ा करना नहीं चाहते। अच्छा अच्छा, लोगों से अपना पूछते हैं भाई दो बातें तू बोल ले, मैं शांत रहूंगा, क्योंकि अगर हम झगड़ा करेंगे तो कहाँ जाएंगे। क्योंकि ऐसा है ना देखो, बाहर का अगर इंसान यहाँ पर आकर ऑटो चला रहा है मुंबई के अंदर, तो भाई दब के रहना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल अपनी दादागिरी नहीं चला सकते, क्योंकि भाई बाहर से आए रेंट का ऑटो चला रहे हैं, भाई 7 साल हो गए मुंबई के अंदर, अभी आज तक इतना नहीं हुआ कि अपना ऑटो खरीद लें। क्यों? क्योंकि भाई इतनी ज्यादा इनकम नहीं है। रियल लाइफ ये होती है ऑटो ड्राइवर की। तो अभी चलते फाइनली गाइस यहाँ से फटाफट से भाई के रूम की तरफ, और रूम की दिखाते क्या कंडीशन है, किस तरह भाई रहते हैं। भाई मुंबई की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है भाई, और यहाँ पर रूम भी बहुत मुश्किल होता है मिलना, एकदम नहीं मिल पाता भाई। 5,000 रुपये रेंट बता रहे हैं अपने रूम की, अब सोचो कि वो 5,000 आप कैसे निकालते हैं? 6,000 रुपये है ना, आप जानते हो ना, आपका दिल जानता है कि आप किस तरह निकालते हैं। मम्मी पापा के लिए भी भेजना होता है गाँव, ठीक है, और अपनी फैमिली को भी यहाँ रख कर खिलाना पड़ता है, और ऑटो भी रेंट का है, तो बताओ क्या रियल लाइफ है लोगों। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देखो कितने ऑटो खड़े हुए हैं, क्योंकि ये ऑटो पार्किंग है भाई। ये देख रहे हैं आप, पूरी ऑटो पार्किंग है। इस टाइम इनके पास काम नहीं है, भाड़ा नहीं है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर लेकर खड़े हुए हैं ऑटो को। चलो अभी किसी और से भी बात करके, यहाँ पर अंकल अपने ऑटो की सफाई वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है इनका जाने का। ये देखिए भाई इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो पूरे ऑटो खड़े हुए हैं चारों तरफ, ये देखो इधर भी ऑटो मिलेंगे आपको। ये देखो अभी सारे लोग घर पर गए हुए हैं और अंकल आ चुके हैं। हेलो अंकल, क्या नाम है अंकल जी आपका? अच्छा, यादव जय प्रकाश। ये देखो भाई इस तरह अपने ऑटो को अच्छे से सफाई करते हैं। तो अंकल जी क्या आप अभी निकल रहे हैं यहाँ से ऑटो लेकर? धंधे का टाइम हो रहा ना अभी? अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए अभी सफाई वफाई वगैरह कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और अभी अंकल यहाँ से सीधा निकल रहे हैं धंधे के लिए। तो अंकल जी आप क्या बजे तक रात को ऑटो चलाएंगे? ये रात को 1:30 बजे तक चलाएंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, देख लो गाइस रात को 1:30 बजे तक मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके कुछ कमाई धमाई होगी। ये देखो भाई पूरा अंदर से अच्छे से सफाई करना पड़ता है। देख रहे हैं आप पूरा अंदर से काफ़ी अच्छा सफाई कर लिया, और धंधे का टाइम हो रहा है, अभी सीधे अंकल निकलेंगे यहाँ से। ये देखो भाई अंकल कहाँ के रहने वाले हैं आप बताएंगे थोड़ा? कानपुर, जौनपुर। अच्छा जौनपुर, अच्छा अच्छा। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं अंकल जौनपुर से हैं, ये देखो। तो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, और भाई का आपको घर वगैरह दिखाते हैं, रूम वगैरह दिखाते हैं, किस तरह वो लोग रहते हैं, क्या उनकी लाइफ है क्या नहीं है।
चलो निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। मैंने सोचा यहाँ पर ऑटो वगैरह खड़े हैं तो सारे ऑटो वाले दिखा देता हूँ किस टाइम इनका धंधा वगैरह होता है, किस टाइम यहाँ से निकलते हैं ऑटो वगैरह। अभी सारे लोग धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं अपने ऑटो लेके, तो चलो इन्हें तो निकलते ही रहेंगे क्योंकि भाई धंधे का टाइम है और धंधे के लिए तो कुछ भी कर सकते लोग। तो यही इनका टाइम होता है जाने का, जो भी 2-4 रुपये जो भी 1000-2000 कमाते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी अंकल जी ने बताया, अभी जा रहे हैं तो रात को 1:30 बजे आएंगे। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, इसी को बोलते हैं स्ट्रगल। देखो ये होता है स्ट्रगल, ये होती है एक मेहनत, और ये होती है ऑटो ड्राइवर की रियल लाइफ मुंबई के अंदर वो भी। चलो अभी चलते हैं भाई का रूम वगैरह दिखाते हैं, वो किस तरह रहते हैं किस तरह नहीं रहते हैं, जो भी है सारा कुछ दिखाऊंगा। जा रहे हैं उनके रूम की तरफ, और देखो भाई रास्ता यहाँ का कितना खतरनाक है। देखो देखो भाई ऐसा ऐसा किसी जीने पर चढ़ रहे हैं, पीढ़ी की पीढ़ी है कितने ऊँचे पर जाके। ये देखो भाई देख रहे हो, बहुत छोटी छोटी गलियाँ होती है भाई। ओ भाई ये देखो भाई, अभी मुझे रात हो चुकी है, आते आते रूम की तरफ इनके, और देख सकते हो भाई कैसा रूम है। अभी जा रहे हैं भाई, देख रहो धारा भी को पीछे छोड़ दिया इसने तो। ये देखो भाई चलो अभी चलते हैं अंदर, ये शायद रूम है। कितनी छोटी छोटी, देखो इधर जीने वगैरह ये सब चढ़े पड़े। देखो इधर ये इनका रूम है पूरा, ये देखो अभी अंदर जाएंगे और आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई छोटी छोटी गलियां होती है बिल्कुल, ये देखो। चलो गाइस मैं अभी रूम के अंदर आ चुका हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पर सोनू भाई खड़े हुए हैं, और ये सोनू भाई का रूम है। ये देखो भाई, और ये क्या किचन है सोनू भाई आपकी? भाई ये किचन है, यहाँ पे खाना पीना बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सब खाना पीना बनाते हैं ये लोग। ये देखो इधर छोटा सा बना रखा है किचन सामान वगैरह रखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो बर्तन वगैरह धोने धाने का सिस्टम है, ये देखो ये होता है देखो मुंबई का भाई, पूरा रूम है देख रहे हो। और ऊपर चैनल वगैरह ये पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है, ये देखो। अच्छा ये बताओ सोनू भाई, खाना वाना अपने हाथ से बनाते हो क्या? भाभी गाँव गई है? भाभी है गाँव में। अच्छा 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 अच्छा, तो अभी अपने हाथ से बनाना पड़ता है, भाभी आती है तो फिर वो बनाती हैं। अच्छा अच्छा, तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भाई भी खड़े। हेलो भाई क्या नाम है आपका? फरदीन। क्या काम करते हो आप? और अच्छा अच्छा अच्छा, चलो काफी अच्छी बात है। तो कितना कमा लेते हो दिन में रिक्शे से? 700-800। अच्छा, और वेल्डिंग में कितना मिलता है? 700 दिन का, 700-1400 रुपये, तो काफी अच्छा कमा रहे हो तुम तो फिर। अच्छा अच्छा, और आप क्या करते हो भाई? अच्छा अच्छा, आप भी वेल्डिंग करते हो, सही है यार। चलो देखो भाई मुंबई में अगर रहना तो काम तो करना पड़े, बिना काम के कुछ नहीं है ना यहाँ पे, है ना। और ये देखो भाई सोनू भाई का बच्चा। हाँ भाई क्या नाम है छोटे? अरबाज। अच्छा अल्फाज, ये देखो भाई स्कूल जाते हो? अच्छा ट्यूशन जाते हो, स्कूल नहीं जाते? चलो कोई नहीं, पढ़ के दिखाओ है, ट्यूशन जाओ स्कूल जाओ एक ही बात है ना। तो भाई देख सकते हो ये है सोनू भाई का रूम, इधर कपड़े वगैरह सब टंगता है, ठीक है। ये पंखा है जो भी मैंने चला नहीं रखा, ये देखो सेफ अलमारी वगैरह सारा। तो चलो अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि यहाँ से फटाफट से निकलते हैं और काफ़ी रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, और भाई साहब यहाँ की गली दोनों बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चलो अभी बाहर चलते हैं और देखते क्या रहता है। फाइनली गाइस अभी सोनू भाई जा रहे हैं हमें छोड़ने के लिए, क्योंकि यार यहाँ पर काफ़ी रास्ता अजीब अजीब सा है। तो यहाँ से फटाफट से निकलते हैं, अभी हम सीधा कांदी वाली रेलवे स्टेशन, फिर उधर से निकलेंगे आगे घर की तरफ। तो चलो निकलते हैं। क्या सोनू भाई, सोनू भाई ने खाना पीना भी खिलाया यार, बोले अब जब इतनी दूर से आए हो तो खाना तो खिलाना पड़ेगा। तो खाना सोचा था भाई, तो खाना पीना एकदम रेडी कर दिया, तो खाना पीना हो गया, सब कुछ हो गया। तो चलो यहाँ से अब निकलते हैं फटाफट। क्या बोलते हो? निकलो लेकिन आना हमेशा। हाँ जरूर आएंगे, बहुत ज्यादा प्यार है भाई। मैं इनसे पहली बार मिला हूँ इसलिए मैं इनका वीडियो देखता था। अच्छा, तो अभी ये आए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको लाइव दिखाया कैसे ऑटो वाले स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑटो वाले की रियल लाइफ क्या? बहुत कब जिंदगी होती है। तो भाई जैसे इनको प्यार दे रहे हैं ना, ऐसे प्यार बनाए रखिए, ये आगे तक अच्छे मुकाम पे जाएंगे और आप लोगों को भी अच्छी चीज़ दिखाएंगे। चुका ट्रेन के अंदर कांदी वाले से, सीधा निकलते हैं यहाँ से मलाड, और वहाँ से बस पकड़नी पड़ेगी, जब भी घर की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलो निकलते।